दोनों बैठ के बात कीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। लेकिन राजवीर तुम्हें तो चोट लगी है, तो तुम ड्राइव कैसे करोगे? हाँ तुम्हें तो चोट लगी हुई है, यू शुडंट ड्राइव। अर्जुन क्या तुम प्लीज राजवीर को पुलिस स्टेशन तक ड्रॉप करके आओगे? उसे चोट लगी हुई है। ऑफ कोर्स नोरी, क्यों नहीं छोड़ सकता भाई, हम पुलिस वाले नागरिकों की सेवा करते हैं, आज एक नागरिक को भी तो मौका मिलना चाहिए पुलिस वालों की सेवा करने का। थैंक यू सो मच नूरी। थैंक यू नूरी, थैंक यू। नूरी मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? आइए ना आंटी। क्या कर रहे हैं? हाँ पागल हो गया, ऐसा कुछ मत कर, तो मुझे नूरी को एसपी साहब के पास भेजना पड़े। क्या किया तुमने एसपी सर के साथ, और वो अस्तिका जी को तुम लोग कैसे जानते हो? और अगर कल रात जो कुछ भी हुआ वो सच है तो अस्तिका जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो लोग? पूछ लिया, नहीं बता। अब देख, तुझे इस समय एक ही चीज से मतलब रखना चाहिए, नूरी की सुरक्षा। और देखिए तू बार बार जाके सबको बताता ना, ये बार बार मैं तेरी गलती माफ नहीं करूंगा, मार दूंगा उसे। चल देर हो रही मुझे। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम नूरी का ख्याल जिंदगी भर रखोगे, मुझे वादा करो। सर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं नूरी का अपनी आखिरी सांस तक ख्याल रखूंगा। एक बात कहूं अर्जुन, कल रात एसपी साहब का खून बड़ा मीठा था, तो फिर इस हिसाब से जो उनकी बेटी है नूरी, जो इतनी कोमल है खूबसूरत है, उसका खून कितना मीठा होगा पता नहीं। सच कहूं तो सुहागरात की रात मैं इंतजार नहीं कर सकता। उतर, उतर गाड़ी से। और अब मेरी बात सुन, तू और वो औरत जितना चाहो उतना कोशिश कर लो, लेकिन नूरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा क्योंकि मैं हूं उसके साथ, समझा? समझ ही नहीं रही, ये कहता है नूरी के लिए कुछ भी करता है, पर सच ये है कि नूरी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं अस्तिका जी से इस बात का जवाब लेके रहूंगा कि उन्होंने रात के बारे में झूठ क्यों बोला मुझसे। अस्तिका यहीं कहीं होगा,
आज उसे ढूंढकर खत्म ही कर देता हूं। कोई तो था यहां, क्या आप थे अस्तिका जी? अगर आप थे तो गएगा। बहुत अच्छे से पूजा कर लो अस्तिका, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पूजा है। क्या आप मेरी कोई भी पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते गुरु वासुकी? इतना चिड़चिड़ा ठीक नहीं है अस्तिका, पर अब तुम्हें दोष दे भी तो कौन? अपनी पत्नी मोहिनी और पुत्र शंखचूर्ण को तो बस में कर नहीं पा रहे, उन्हीं के कारण तुम्हारी शक्तियां गई हैं अस्तिका। वो तुम्हारा परिवार नहीं है, केवल शत्रुओं का डेरा है जो तुम पर घात लगाए बैठा है। आपकी तरह वो भी मेरा परिवार है, और उन दोनों को मैं आपसे बेहतर जानता हूं। वो दोनों मेरी ही तरह महाराज तक्षक के स्वामी भक्त हैं, आपकी तरह विद्रोही नहीं। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी, कि जब तक तुम अपनी शक्तियां वापस नहीं पा लेते नागलोक नहीं जा सकते, और नागलोक जाए बिना यह तय कर पाना कि तुम्हारा परिवार महाराज तक्षक के आदेशों का पालन कर रहा है या अर्जुन से बदले की आग में पूरे अमरोली को जला डालना चाहता है। अगर आपका प्रवचन समाप्त हो गया हो तो आप जिस कार्य हेतु यहां आए हैं उसे पूर्ण कीजिए, और जहां तक मेरी पत्नी और मेरे पुत्र का सवाल है तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। गुरु वासुकी, यहां अस्तिका के साथ कैसे? और मोहिनी ने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? मेरे पास वासुकी का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है,
अभी हमला नहीं कर सकता। अस्तिका को अकेले में दबोचना होगा जब वासुकी आसपास ना हो। नागमाया ने हमसे वादा किया है कि आज शाम होते पूरे अमरौली में सर्प सैनिक फैल जाएंगे। ये सर्प सैनिक इच्छाधारी नाग है जो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये सर्प सैनिक अर्जुन शास्त्री के घर के आसपास रहेंगे। और इतने सारे सैनिकों की जरूरत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को नहीं मार पाए इसलिए आपको अपनी और मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा? नहीं शंखचू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस बार तो हम उस अर्जुन शास्त्री को मारने के लिए और भी उत्सुक हैं। लेकिन शंखचूड़, हमें बहुत ही सोच समझ के काम करना होगा। अर्जुन के अंदर जो मणि स्थापित है वो बहुत ही शक्तिशाली है। अभी तक अर्जुन को यही लगता है कि पूरे अमरौली में केवल दो ही नाग हैं। हम चाहते हैं कि अर्जुन का पूरा परिवार, उसके दोस्त, अमरौली के सारे लोग हम नागों के डर से घिरे रहे और इस तरह अर्जुन शास्त्री पर हमारा पलड़ा भारी रहेगा। हमारा पलड़ा तो अभी भी भारी। यही हमारे सामने। नहीं शक छू, अर्जुन शास्त्री की कमजोरी सिर्फ ये लड़की नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो कि जब हमने अर्जुन शास्त्री की छोटी बहन पर हमला किया था, अर्जुन ने किस प्रकार हमारा सामना किया था। और इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा। हम अब एक नई लड़ाई लड़ेंगे। सर्प सैनिकों का इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में अर्जुन शास्त्री कुछ नहीं जानता। अर्जुन शास्त्री पर हमला तो जरूर होगा लेकिन हम उसके सामने नहीं आएंगे। कल रात एसपी साहब का खून बड़ा मीठा था। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम नूरी का ख्याल जिंदगी भर रखोगे? मैं नूरी का अपनी आखिरी सांस तक ख्याल रखूंगा, उसे कभी कुछ नहीं। अर्जुन असल में क्या हुआ? ये सब छोड़, अर्जुन मैं छुट्टी को लेने गया था। छुट्टी को जब रस्ते में आ रहा था तो छुट्टी को क्या हुआ? अब मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। चुटकी को क्या हुआ है? किडनैप हो गया यार। कौन? राजवीर था। असलम राजवीर था क्या? मुझे नहीं पता लेकिन उसने एक मैसेज दिया है। क्या? उसने कहा है कि वो पुरानी ओल्ड फैक्ट्री है ना, वहां पे बुलाया और किसी को बताने को मना किया। जी जरूर राजवीर। अर्जुन मैं भी चल रहा हूँ। अर्जुन चुटकी, चुटकी, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया बचाओ, चुटकी, अर्जुन भैया, चुटकी।
देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे मुझसे बात करो, मेरी बहन को छोड़ दो। टीना, तुम मुझे मारेगा, सारे बाल खराब कर दिए यार। टीना तुम यहाँ क्या हो रहा है सब? हाँ टीना, धोखा खा गया ना? ओ भाई, ये खिड़की किसने तोड़ी? भाई ये प्रैंक था, मजाक कर रहे थे हम लोग, रिलैक्स। अब प्रैंक के चक्कर में अभी अर्जुन भैया टीना को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले थे। रियली? भाई ये किया कैसे तूने? इतनी पावर लाते कहां से हो तुम? तुम लोगों को मजाक लगता है ये सब? अरे इतना सीरियस क्या हो रहा है बता दे। बेसिकली जब मैं अमरोली इतने साल बाद आई, तब हर जगह तेरी कहानियां थी, तेरी बहादुरी की, तेरी ताकत की। मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, वेरी ऑनेस्ट। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना खुद ही आजमा के देख लो, है ना? आजमा लिया आप? हाँ। अरे ये सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता, तू इतना जल्दी यहाँ पे पहुंचा कैसे? हाँ मैं बाइक 100 की स्पीड से भगा के लाया हूँ। वो मैं शॉर्टकट से आया हूँ। ओहो, तू मुझे बताएगा अमरौली में इतना शॉर्ट कौन सा कट है? मैं भी जानू। बट रियली यार, मतलब इतना सब कुछ, इतना तोड़फोड़ कैसे किया तूने? आई मीन देखो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और तुझे तो चोट लगी थी ना? वो एक्चुअली टोमेटो केचप का कमाल है। इधर देख टोमेटो केचप। अरे अरे बस, मजाक नहीं है ये सब, मैं सच में बहुत घबरा गया था। अच्छा सॉरी अर्जुन भैया, सॉरी अर्जुन भैया। एक सेकंड। हेलो, तुम लोग क्या सॉरी सॉरी बोल रहे हो? ये बड़ा बचपन में दूध का धुला हुआ था, भूल गया स्कूल में हमारे साथ सारी शरारतें करता था, मस्ती करता था, पर जब डांट खाने की बारी आती थी सीधी सादी सी शक्ल लेके निकल जाता था। डांट किसे पड़ती थी? हमें। कुछ भी। ओ याद है, मैंने बचपन में उसे पेटनेम भी दिया था। पता पता, मैं भूल गया। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्जुन का पेटनेम था झुनझुन। कभी नहीं सुधरेगी ना तू, इतने सालों के बाद आई है अमरौली, कुछ तो शरीफ नॉर्मल लोगों के जैसे बिहेव कर। क्यों नॉर्मली सो बोरिंग? अच्छा ये बता, इतने सालों के बाद तू अमरौली का रास्ता कैसे भूल गई? अब तो तू स्मॉल टाउन से बिग टाउन गर्ल बन गई है। हेलो, अगर भूली गई होती ना तो यहाँ बैठी नहीं होती। मैं बेसिकली यहाँ पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे आई हूँ, मेरा बॉस सांपों पे लेके बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा है।